अगली खबर में बात करते हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले की, जहां गोवंशों की दुर्दशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार की हजारों गौशालाओं के सपने अभी भी प्रदेश में अधूरे पड़े हैं और एक बार पुनः ठंड के मौसम में बेजुबान बेसहारा छोड़े जाने वाले गोवंशों को जगह जगह अवैध बाड़े बनाकर ठंड के मौसम में बिना भोजन छाया पानी और समुचित व्यवस्था के भूख प्यास से मारा जा रहा है। विशेषकर ठंड के मौसम में रबी और गेहूं की फसल के साथ ही बेसहारा छोड़े जाने वाले गोवंशों द्वारा किसानों की खड़ी फसल को नुकसान करने के कारण उन्हें निर्दयता पूर्वक मारा पीटा जाता है और उनके मुंह पैर तार से बांध दिए जाते हैं। आए दिन अवैध बाड़ों में उन्हें कैद कर दिया जाता है, जहां ना तो कोई छाया की व्यवस्था होती है और ना किसी भोजन पानी की, जिससे ठंड में तड़प तड़प कर भूख प्यास से मवेशी दम तोड़ देते हैं और वहीं आसपास कुत्तों का झुंड उन्हें नोच नोच कर खाता रहता है। ताजा मामला जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में पलहान गाँव में पंचायत द्वारा बनाए गए मुक्ति धाम और कब्रिस्तान में अवैध तरीके से सैकड़ों की संख्या में गाँव के दबंग व्यक्तियों और वहां के पंचायत के प्रतिनिधियों सरपंच सचिव के सहयोग से बेजुबान बेसहारा गोवंशों को कैद कर दिया गया है। कब्रिस्तान में कैद किए गए गोवंशों के लिए किसी भी प्रकार से भोजन पानी की व्यवस्था ना हो पाने के कारण ठंड के मौसम में रोज एक दो गायें मर जाती हैं। वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे गाय के कंकाल को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं और कई बेजुबान गाय भूख से चिपके हुए पेट के साथ खड़ी हुई हैं और इस आशा के साथ आने वाले मानव को देखती हैं कि शायद उन्हें वहां से रिहा कर कोई तो भोजन और छाया की व्यवस्था करेगा। लेकिन निर्दयी मनुष्य अपने पेट के चक्कर में बेजुबानों की सुध कैसे ले। स्थितियां यह है कि गोवंश भी सोच रहे होंगे कि किस पाप की सजा भुगतने के लिए उन्हें भारत में जन्म दिया गया। यह देश अब गोपाल श्री कृष्ण की जन्मभूमि कहलाने लायक नहीं बचा। देखिए पूरे मामले में सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने क्या कहा है। जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में पलहान नामक ग्राम है। पलहान ग्राम के नजदीक एक पलहान ग्राम में ही मुक्ति धाम शांति धाम बनाया गया है, कब्रिस्तान जो पंचायतों के द्वारा बनाया जाता है। वहाँ पर लगभग एक सैकड़ा की संख्या में गोवंशों को कैद करके रखा गया है और उनके लिए कोई छाया की व्यवस्था नहीं है, चारा पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है और कई गोवंश तो वहाँ पर मर गए हैं, जिनको कुत्ते जो नज़दीकी कुत्ते हैं उनको नोच नोच कर खाते रहते हैं। पशु क्रूरता की घटनाएँ एक बार पुनः पूरे ज़िले और पूरे प्रदेश में बढ़ गई हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो स्थानीय स्तर पर पंचायतें हैं वो उसका ध्यान नहीं दे रही हैं। गौशालाएँ जो मुख्यमंत्री गौशाला योजना के अंतर्गत बनाई जानी हैं सब अधूरी पड़ी हुई हैं या बनी ही नहीं है, बंदरबाट हुआ है और जिसकी वजह से गोवंश जिनको सुरक्षा पोषण और इस तरह से छाया उनको प्रदान की जानी चाहिए गौशालाओं में वो उनको मिल नहीं रही। अब इसमें जो कलेक्टर रीवा के समय समय पर जो फरमान जारी हुए हैं जिसमें इनके लिए व्यवस्था ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय निकाय तहसीलदार थाना प्रभारी और चिकित्सा अधिकारी SDM ये सब इसकी देख रेख करेंगे, व्यवस्था बनाएंगे, पशु क्रूरता ना हो इसका बराबर ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई भी नियम कायदा का पालन नहीं हो रहा है, सिर्फ मात्र कागजों पर है। बेसहारा गोवंशों के लिए भी उन्होंने व्यवस्था बनाई थी, उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है और आप देख सकते हैं कि कहीं भी सड़कों में खेतों में गोवंश इस तरह से बेसहारा घूमते रहते हैं, पशु क्रूरता का शिकार होते हैं, उनके मुंह पैर तार से बांध दिए जाते हैं, अवैध बाड़ों में कैद कर दिए जाते हैं, नहरों घाटियों जलप्रपातों में छोड़ दिए जा रहे हैं। इस प्रकार से जो पशु क्रूरता की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं हमारे समाज में बेहद चिंताजनक हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हम लोगों के लिए शर्मिंदगीपूर्ण भी हैं। तो इसमें शासन प्रशासन मुस्तैदी से ध्यान दें और जो भी जिम्मेदार हैं उनके ऊपर इस विषय पर कार्यवाही की जाए। विशेष तौर पर जो बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में पलहान नामक ग्राम है वहाँ पर बैकुंठपुर थाने में गए भी थे कुछ स्थानीय लोग रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ के थाना प्रभारी ने पता चला है कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं दर्ज की है। इस पर उनको कार्यवाही करनी चाहिए, तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए।